नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार सिंह, सेंट जोसेफ स्कूल इटाढ़ी। कल के बजे हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 9.3, ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1, क्योंकि सिलेबस के अनुसार हम लोग को चल रहे हैं, ठीक है। सिलेबस के अनुसार हम लोग को चलना है और हम लोग चल भी रहे हैं। तो 12.1 में पहला सवाल आपका दिया है, देखिए आपका पहला सवाल जो दिया है, ठीक है। ये आपका जो अध्याय है, ठीक है, ये जो आपका अध्याय है ये क्या है, अभी हम इसको बता देते हैं कि अध्याय क्या है आपका। बीजगणित, ठीक है, ये आपका है बीजगणित। तो हम लोग बीजगणित पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें दिया है पहला सवाल कि इसमें राशि होती है चर राशि और अचर राशि, ठीक है। चर राशि होता है और अचर राशि, राशियां दो होती हैं। चर राशि मतलब जो ए बी सी डी के जो अक्षर होते हैं ना, ए बी सी, ए से लेकर जेड तक, ए से जेड तक, ये चर है। अचर का मतलब होता है गिनती की संख्या होता है, ठीक है। चलिए इसका जो पहला सवाल दिया है कि तीलियों से निम्न प्रतिरूप बनाने के लिए, तीलियों से निम्न प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए चर का प्रयोग कीजिए। देखिए माना, देखिए हम कुछ भी मान सकते हैं, चर ए बी सी डी कुछ भी। तो आपके किताब में हम एन मानते हैं क्योंकि एन से में दिया एन, तो मान लीजिए एन, वो चर राशि क्या है, माना चर एन है, ठीक है। तो आपका कह रहा है पहला ए सवाल कि अक्षर यू, यू दिया है, देखिए ऐसे यू दिया है, यू का के रूप में, के रूप में तीलियों की संख्या, तीलियों की संख्या, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए आपका यू है एक दो तीन, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, तीन। और हम चार माने हैं एन, तो तीन एन, ठीक है, क्योंकि तीलियों का जो संकेत लेना है। कह रहा है आपको किताब दिया है, कह रहा है कि तीलियों से निम्न प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए ये सब क्या करना है, ठीक है। और नियम लिखने के लिए चर का प्रयोग कीजिए, क्या करना है, चर का प्रयोग करना है। तो हमारा इसमें यू में तीन हो जाएंगे, उसका बी हो जाएगा जेड, जेड देखिए एक दो तीन, तो जेड में भी कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। अब कह रहा है कि सी जो कह रहा है कि बी, देखिए बी ऐसे लिखा हुआ है ए, ठीक है, तो काउंटिंग कर लेंगे एक दो तीन चार पाँच, तो क्या हो जाएगा हमारा पांच एन, तीलियों की संख्या पांच एन। डी हो जाएगा एस में, देखिए दिया है तो एक दो तीन चार एस में ना, तो देखिए एस में कितना जाएंगे, देखो एस 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 एक दो तीन चार पाँच, एस में भी पांच एन हो जाएंगे, ठीक है। ये दिया है ऐसे दिया है, ए बनाया हुआ है, तो एक दो तीन चार पाँच छः, यानी छ एन। तो ये हमारा यू में तीन एन, जेड में भी तीन एन, बी में पांच, एस में पांच और ए में छ, ये सब क्या है हमारे आंसर हैं, ठीक है। तो तीलियों की संख्या का प्रतिरूप बनाना है तो एक में तीन ऐसे करके हम लोग बना लेंगे। ये था हमारा पहला सवाल। चलिए इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं, कह रहा है सवाल नंबर दो, देख टाइम दिया है, सवाल लंबा है इसलिए हम नहीं लिख पाएंगे। दिया है गणतंत्र दिवस पर बच्चे सामूहिक ड्रिल का प्रदर्शन कर रहे हैं, एक पंक्ति में दस बच्चे हैं, एक पंक्ति में दस बच्चे हैं, यदि पंक्तियों की संख्या, यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो बच्चों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है। पंक्तियों की संख्या के लिए एम, देखिए माना कि चर ए है, इसमें ए दे दिया है, उसमें नहीं दिया था तो हम एन मान थे, ए दिया है और एक पंक्ति में दस बच्चे, एक पंक्ति में दस बच्चे, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या क्या हो जाता है, दस ए, क्या हो जाएगा दस ए, ठीक है, क्योंकि एक पंक्ति में दस बच्चे हैं,
एक पंक्ति में 10 बच्चे हैं और पंक्तियों की संख्या के लिए ए दर्शाना है, ठीक है। तो ए पंक्ति हो जाएगा और 10 बच्चे हो जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा सवाल है, देखिए लंबा लंबा सवाल है लेकिन आंसर एकदम छोटा छोटा है। इसका तीसरा आपका सवाल है, देखिए कह रहा है कि एक टोकरी में 60 केले हैं, दिया है ना, एक टोकरी में 60 केले हैं, आप टोकरियों की संख्या के पदों ने केले के कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे। टोकरियों की संख्या के लिए बी का प्रयोग करना है, तो देखिए यहाँ इसमें बी का प्रयोग करना है, तो हो जाएगा इसका सवाल नंबर 3 कि इसमें चर क्या हो जाएगा, माना कि चर क्या है, बी है, ठीक है, माना कि चर क्या है, बी है। तो क्या हो जाएगा आपका, उसमें कह रहा है 60 ना, 60 कह रहा है तो 60 बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 60 बी। ये था आज का सवाल, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, पहले चार राशि मान देना है और संख्या को उसमें दर्शा देना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए हो, नहीं हो तो फिर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।